नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्व मित्र। मसला है, हरियाणा का युवा आज फिर गुस्से में है। हरियाणा का नौजवान आज फिर गुस्से में है। हरियाणा के वो नौजवान जो सरकारी नौकरी के लिए आज घर से निकले थे, वो गुस्से में है। क्यों? ध्यान से सुनिएगा आज की इस रिपोर्ट को। आपको पता है 5 और 6 अगस्त को सीईटी का फाइनल एग्जाम होना था हरियाणा में। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से 5 और 6 अगस्त निर्धारित की गई। आज युवा पेपर देने के लिए निकले थे, जिनका सेंटर दूर आया था, क्योंकि कुछ ही जिलों में सेंटर बनाए गए थे। तो जिन बच्चों का सेंटर दूर आया, तो वो बच्चे आज ही निकले थे, यानी जिनका 5 अगस्त को पेपर होना था, वो बच्चे आज घर से निकले थे। लेकिन कुछ पहुंच गए होंगे, कुछ रास्ते में होंगे। खबर आती है कि हाई कोर्ट ने, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने ये पेपर पर रोक लगा दी है। यानी 5 और 6 अगस्त को जो पेपर होना था सीईटी का फाइनल एग्जाम, उस पर रोक लगा दी है। तो आप अंदाजा लगाइए, जो बच्चे पेपर देने के लिए निकले थे, उन पर क्या बीत रही होगी। वो अभी भी इंतजार कर रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन रोक क्यों लगी, ध्यान से सुनिएगा। हालांकि कई सारे कारण हैं, अभी वो कॉपी नहीं मिली है। लेकिन हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने किया क्या, अब आप हैरान हो जाएंगे। क्या किया? 5 और 6 अगस्त को पेपर तो रख दिया, लेकिन एक दिन पहले तक युवा परेशान होते रहे। बहुत से बच्चों का एडमिट कार्ड ही नहीं मिला, एडमिट कार्ड ही वो डाउनलोड नहीं कर पाए साइट से। वो बेचारे कंप्यूटर के आगे बैठे रहे कि अब एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा, अब हो जाएगा, लेकिन एडमिट कार्ड नहीं मिला। जब ये पता चला तो HSSC ने क्या किया, एक नोटिस लगा दिया कि कोई बात नहीं, अगर एडमिट कार्ड नहीं मिला, डाउनलोड नहीं हुआ, तो सेंटर लिस्ट आपको पता चल जाती है कि आपका पेपर कहाँ है, आप वहाँ पर पहुँच जाइए और बिना एडमिट कार्ड के ही पेपर देने के लिए आप बैठ जाइए। है ना कमाल की बात। HSSC, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसके बारे में लोग आज चर्चा कर रहे हैं कि राम भरोसे है हरियाणा का ये भर्ती बोर्ड, कमाल है, बिना एडमिट कार्ड के बच्चे पेपर देने के लिए बैठ जाएं। तो आज हाई कोर्ट ने 5 और 6 अगस्त को होने वाले पेपर पर रोक लगा दी, स्टे लगा दिया। बच्चों के फोन आ रहे थे, जो बच्चे घर से निकले, क्या करें, पेपर होगा या नहीं होगा। सोशल मीडिया पर खबर चल रही थी कि स्टे हो गया, एक खबर और चल रही थी, वैसे ही वायरल हो रही थी, क्योंकि एक बार खबर निकल जाए तो आपको पता सोशल मीडिया में हर जगह फैल जाती है। एक खबर और चल रही थी कि सरकार दोबारा जो है वो हाई कोर्ट पहुंची है, एक बार फिर सुनवाई होगी, फिर कुछ हो सकता है। तो बच्चे असमंजस में थे कि क्या करें, घर वापस लौटें या वहीं स्टे करें जहां कल को पेपर होना था। बच्चे परेशान होते रहे, खाना पीना तो दूर की बात, परेशान हो रहे हैं अभी भी बच्चे। ये जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तब तक बच्चे परेशान हो रहे हैं कि क्या करें, रुकें या वापस घर जाएं, अभी भी कुछ हो सकता है क्या, क्या अभी भी, क्या पता कल फिर पेपर हो जाए। तो ये हालत है उन बच्चों की। आप सोचिए, अंदाज़ा लगाइए उन पर क्या बीत रही होगी, उनके घर वालों पर क्या बीत रही होगी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। यानी जो बच्चे कल पेपर के लिए निकले थे। तो ये हाल है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का। बच्चे गुस्से में हैं, नौजवान गुस्से में है। एक उम्मीद थी कि सीईटी का फाइनल एग्ज़ाम आ रहा है, बात बन जाएगी, सरकारी नौकरी लग जाएंगे। लेकिन कारनामे देखिए कि क्या हो रहा है। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बोल रहे हैं, वो लिख रहे हैं कि ये क्या चल रहा है। वो कह रहे हैं कि सरकार जो है वो अब बहाने कर रही है, बहाना बनाया जा रहा है। एक तरफ कहा जा रहा है कि इतनी नौकरियां दी जाएंगी,
लेकिन दूसरी तरफ इस तरीके से लटकाया जा रहा है। उनका कहना है जब सीईटी का जो पहला एग्जाम हुआ था उस वक्त तो 10-11 लाख से ऊपर बच्चे थे, उस समय सर्वर सर्वर सब कुछ ठीक था, सब सही था, एग्जाम हो गया। अब तो उनका कहना है कि 70-80 हज़ार तकरीबन बच्चे होंगे फाइनल एग्जाम के लिए। तो अब साइट प्रॉपर क्यों नहीं चल रही थी, क्यों नहीं एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहे थे, क्यों नहीं सही सूचना उन तक पहुंच रही थी, ये एक बड़ा सवाल है जिसको लेकर बच्चे जो हैं वो सवाल कर रहे हैं कि नियत क्या है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और हरियाणा सरकार की नियत क्या है, नौकरी देनी है या नहीं देनी है। बहुत सारी भर्तियां, बहुत सारी ये जो वैकेंसी है इतने सालों से लटकी हुई हैं, इंतज़ार कर रहे हैं बच्चे कि इतने साल पहले भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म भरे थे, इतने सालों बाद भी पेपर देने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ हाथ लग नहीं रहा है। कट ऑफ लिस्ट रिवाइज की जा रही है, वही कंफर्म नहीं हो रहा है किसका नंबर आया किसका नंबर नहीं आया, किसको जाना है किसको नहीं जाना है। ये चल रहा है हरियाणा में, युवा बेरोजगार युवा जो नौकरी की तलाश में है, फॉर्म भरता है हर नौकरी का, तैयारी करता है, इतने सालों से लगा हुआ है, घर वाले उस पर पैसा खर्च कर रहे हैं, उसको ट्यूशन दी जा रही है यानी स्टडी सेंटर में पढ़ने के लिए जाता है, वहाँ पैसा खर्च किया जा रहा है, मोटा पैसा वहाँ पर खर्च किया जा रहा है, एक उम्मीद होती है कि अब नौकरी निकलेगी, फॉर्म भरेंगे, पेपर के लिए जाएंगे, एक बार शॉर्टलिस्ट होगा फिर बात बन जाएगी, इसी उम्मीद में युवा लगा हुआ है, हरियाणा के लाखों युवा। जैसा हमने कहा कि सीईटी के पहले एग्जाम में 10-11 लाख से ज़्यादा युवा उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था, तो ये जो इतने लाख युवा हैं उनको बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन कई बार उम्मीदों पर पानी फिर गया है, झटके लगे हैं, HSSC ने झटका दिया है, कई बार किसी और वजह से झटका मिल गया है, नौकरी निकली अप्लाई किया सब कुछ हो रहा है फिर स्टे हो जाता है, बहुत सारे मामले तो ऐसे अटके हुए हैं, नौकरी कर रहे हैं फिर मामला कोर्ट में चला गया, फिर कुछ ऐसा हो गया, क्या कुछ चल रहा है और उन युवाओं पर क्या कुछ बीत रही है, ये सिर्फ अंदाज़ा आप लगा सकते हैं, आप बीती तो सिर्फ वही बता सकते हैं, उनके घर वाले बता सकते हैं। सो दोस्तों ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा मसला है, युवाओं से जुड़ा हुआ मसला है जो इस देश प्रदेश का भविष्य है, कि नौकरी कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, कितनी नौकरी मिलेगी, बहुत बड़ा सवाल है। एक तरफ हरियाणा सरकार कहती है कि हम इतनी नौकरियां अगले 1-1.5 साल में निकालेंगे दे देंगे, लेकिन ये हाल देख लीजिए, है ना, क्या कहेंगे आप, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इस वीडियो के नीचे, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा ताकि तमाम लोग इस पर अपनी राय दे पाएँ। और अगर ये मसला ठीक लगा तो आप इस चैनल को यानी दा मसला को लाइक सब्सक्राइब फॉलो कर सकते हैं, अपडेट के लिए, इस मामले की अपडेट के लिए या किसी दूसरे मसले की अपडेट के लिए, ताकि वो वीडियो आपके पास पहुंच जाए। फिर मिलते हैं अगले मसले के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।